हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब सुपर एक्साइटेड लाइक मी राइट बिकॉज नाउ वी आर सेवन हंड्रेड के प्लस यूट्यूब फैमिली एंड थैंक यू सो 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 मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्स एंड यस लाइकिंग अवर ऑल शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स तो सेवन हंड्रेड के हो गए हैं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेवन हंड्रेड के स्पेशल क्या एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम मतलब मैं सुबह सुबह वही सोच रही थी कि सेवन हंड्रेड के स्पेशल हम क्या करें बट uh, मुझे एग्जैक्टली exactly कुछ आइडिया नहीं आ रहा था बट उसके बाद जब मैं आप लोगों के कमेंट्स को लाइक हार्ट एंड रिप्लाई दे रही थी तभी आई केम टू नो कि बहुत से लोगों ने गाया है कैनवास पेंटिंग्स के लिए एंड वो भी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर सो so सडनली एक आइडिया मेरे माइंड में आया कि क्यों ना सेवन हंड्रेड के स्पेशल ऐसा किया जाए कि सेवन डिफरेंट डिफरेंट कैनवास पर डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स और वो भी जो आप लोगों ने गई है सो लाइक सेवन हंड्रेड के स्पेशल सेवन कैनवास पेंटिंग्स कैसा रहेगा ये साउंड समथिंग इंटरेस्टिंग राइट एंड वो भी शार्ट आउट के साथ सो लेट्स एंड यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट कैनवास पेंटिंग जो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर कहे थे ना वो सो so मैं आ गई हूँ ऊपर डी आई वे रूम में एंड ये है पूरा हमारा कैनवास का खजाना और इसमें से जो भी मैं सेवन केनवास चूज करूँगी वो बनेंगे सेवन हंड्रेड के स्पेशल कैनवास डो देट अब इसमें एक ना मजेदार बात यह है फ्रेंड्स की हर एक साइज का एक एक कैनवास में लेने वाली हूँ क्योंकि जो सारी साइज है ना वो टोटल डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है ये मैंने चूज कर ली सारी सेवन डिफरेंट साइज की कैनवास शीट्स अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग करना तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे कैनवास से तो सबसे पहले कैनवास पेंटिंग के लिए सारी नेसेसरी चीज़ें ले लेते हैं जैसे कि एक्रेलिक कलर्स पैलेट वॉर्निश एंड वो सब एंड ये है सारी कैनवास की शीट्स तो जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा था सनसेट पेंटिंग के लिए तो मैंने सोचा कि इसमें ना हम करेंगे सनसेट पेंटिंग तो सबसे पहले ना वाइट और रेड को मिक्स करके पिंक बनाया मतलब डार्क पिंक तो रेड थोड़ा ज़्यादा लिया था और ऊपर पिंक किया फिर ऑरेंज उसमें मर्ज कर दिया एंड देन येलो फिर वो हो जाने के बाद ना वाइट में थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया तो एकदम लाइट ग्रे बन गया और उससे बन गया रोड का कलर तो उससे बना लिया रोड और बस फिर मैं सोच रही थी कि साइड में थोड़े वुशीज करूँ तो सबसे पहले मैंने डार्क ग्रीन कलर अप्लाई किया एंड फिर ना लाइट ग्रीन अप्लाई करके थोड़ी सी इफेक्ट दे दी ये देखिए अब उसके बाद सबसे पहले ना दोनों साइड वाइट इस तरह से लाइन कर ली एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी शेडो वाली इफेक्ट दे दी बुशेस को एंड बस उसके बाद बीच में मैंने सनसेट कर लिया वैसे नहीं ये कनवास सारे तो काफ़ी दिनों से लिए थे बट उसमें पेंटिंग करना अभी बाकी था और हाँ डीए रूम का मेकओवर भी होने वाला है तो उसके लिए ट्यून मतलब इस ब्लॉग में नहीं आने वाले कुछ दिनों में डीए रूम का एकदम मस्त मेकओवर होने वाला है और अभी मैंने पेंटिंग किया फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा ऊपर डार्क ब्लू देन पिंक इस तरह से ज्यादा ऐड करता है तो ज़्यादा सनसेट लगेगा एंड पेंटिंग रेडी है सो so, ये सनसेट वाला पेंटिंग तो हो गया जो बहुत से लोगों ने कहा था कल कमेंट्स में तो मैंने सोचा सबसे पहले तो यही वाला करना है एंड उसके बाद अभी मैंने ये सिक्स नंबर वाला ये कैनवास बोर्ड लिया मतलब जो मैंने लाइन वाइज रखे थे ना उसमें नंबर वाला लिया लाइक साइज के अकॉर्डिंग और इसमें मैं करने वाली हूँ फ्लोरल प्रिंट सो लेट्स डू दैट सो so, ये है वो कैनवास शीट अब मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम लाइक लाइन में करती जाऊंगी पहले एकदम छोटा कैनवास दिन उससे बड़ा मतलब मुझे जो जो डिज़ाइन माइंड में आती जाएगी एंड जिस तरह से मैंने सोचा कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में लेती जाऊंगी और तो सबसे पहले इसमें ना बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर अप्लाई कर लिया एंड उसमें यूज़ किया थिक ब्रश एकदम फ्लैट वाला क्योंकि फटाफट हो जाए फिर मैंने सोचा इसमें ना हम करते हैं फ्लोर प्रिंट क्योंकि वो भी आप लोगों ने कही थी तो ये देखिए वो मैं ये मैं वही कर रही हूँ वैसे आपको एक बात बता दूँ इस फ्लोरल प्रिंट मैंने मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि एक ही कलर के सारे फ्लावर्स मैंने ऐसा किया कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स उसके बाद लेते हैं ये वाला कैनवास और इसमें ना मैंने सबसे पहले तो रफ स्केच कर लिया इसमें ऐसा मैंने किया था कि विंडो में से बाहर का सीन दिख रहा है फिर ये ब्राउन कलर तो अप्लाई किया ये बट येलो एंड ब्राउन को थोड़ा सा मिक्स करके दूसरा इस तरह से भी अप्लाई किया एंड यहाँ पे जो सीन दिख रहा है उसमें मैंने सोचा कि सनराइज़ करता है तो बस यहाँ पे कॉर्नर में है सन एंड कुछ इस तरह से बनता जा रहा है हमारा पेंटिंग कैसा लग रहा है आपको ये पेंटिंग भी कैसा लग रहा है एंड वैसे मेरा आइडिया भी कैसा लग रहा है कि सेवन हंड्रेड के पर सेवन कैनवास पेंटिंग्स करने का एंड बहुत बार आप मेरे साथ पेंटिंग करता है ना तो इस बार आपने मेरे साथ कौन से कौन से इसमें से पेंटिंग्स किए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी सिर्फ कैनवास में ही करना चाहिए ये सेम टू सेम आप अपनी ड्राइंग बुक में भी कर सकते हैं तो आप ना कौन सा पेंटिंग करने वाले हैं या फिर जब पेंटिंग हो जाए तब इस ब्लॉग के कमेंट में ज़रूर बताना और अब मैंने साइड साइड में कर दिए कर्टेंस क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ पे ना कर्टेंस हम दूसरे कलर के भी कर सकते हैं बट मैंने सोचा कि पीछे विंडो का है ब्राउन कलर तो ये स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा लगेगा एंड ये हमारा पेंटिंग बन गया मुझे तो ना ये बहुत ही मस्त लग रहा है अब ले लेते हैं नेक्स्ट कैनवास शीट अब किसी अमीजी ने कहा था कि मैं मंडाला आर्ट करूँ कैनवास पेंटिंग करते वक्त तो मैंने सोचा इसमें क्यों ना हम वही करें तो सबसे पहले ना मैं रफ डिज़ाइन बना रही हूँ कि मैं किस तरह से करूँगी एंड फिर कलरिंग स्टार्ट करेंगे एंड वेज में है येलो कलर अब ये जब मैं पेंटिंग कर रही थी ना तब एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने आधा किया पेंटिंग उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड ना ये देखिए यहाँ पर पिंक कलर थोड़ा सा गिर गया था तो फिर मैंने फिर से ऊपर येलो कलर तो कर लिया बट आई थिंक दूसरा कोट भी अभी चाहिए होगा अब क्या बताते हैं एंड ये देखिए ये मैंने जो नीचे चार्ट पेपर रखा है ना उस पर भी थोड़ा सा पिंक कलर गिर गया था मतलब मैं लेने जा रही थी और मेरे हाथ का धक्का लग गया तो वो बॉटल गिर गई मतलब टेबल पर ही गिरी तो समटाइम्स इट हैपन्स ना कि हम ऐसे एकदम ध्यान से करते हैं कि ये ना गिरे फिर भी कभी ऐसा हो जाता है और हाँ बातों बातों में पता ही नहीं चला इतना सब कुछ पेंटिंग हो गया कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए ना मतलब मुझे तो वंडला आर्ट की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि पहले एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं की है बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं ना और ऐसी पैटर्न होती है तो लाइक पेंटिंग बहुत ही मस्त लगता है आपको अच्छा लगता है क्या एंड फाइनली दिस पेंटिंग इज़ डन अभी आई थिंक और एक येलो कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पर पिंक कलर गिरा था क्या बोलते हैं चलिए तो अब ज़्यादा येलो थोड़ा सा ऑरेंज एंड और थोड़ा सा ब्राउन को मिक्स करके ये वाला कलर बनाया एंड उसको लाइक मैंने ना एज अ टेबल इस तरह से कलर किया है और मैं इसमें बनाने वाली हूँ फ्लावर वास एंड ये सब कुछ मतलब एकदम लाइट लाइट था ना टेबल एंड फ्लावर वास तो मैंने सोचा कि बैकग्राउंड ना थोड़ा डार्क ही रखता है फिर उसके अंदर फ्लावर्स लाइट करेंगे आई मीन फ्लावर पॉट के अंदर फ्लावर्स लाइट करेंगे एंड यस yes, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम ही बड़ी वाली लाइक like जो लास्ट साइज़ थी ना कैनवास शीट की मेरे पास वो वाली यूज़ की एंड मुझे बस मज़ा आया इसमें पेंटिंग करने में एंड आवर पेंटिंग इज डन नाउ और हाँ बीच में ना हमने लंच भी कर लिया था बट वो एक्चुअली चिली ब्लॉक में लेना रह गया था एंड अभी कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पेंटिंग जिसके लिए वाइट एंड ब्लू को मिक्स करके मैंने स्काई ब्लू बनाया जिससे मैंने बैकग्राउंड फुल किया कलर देन इसमें ना मैं बना रही हूँ डोनट तो ब्राउन कलर फिर येलो कलर इस तरह से मिक्स करके बनाया मैंने देन पिंक कलर एंड उसकी बॉर्डर ने मैंने डार्क पिंक से दी फिर यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के टॉपिंग्स कर रही हूँ मस्त लग रहा है ना सारे डेकोरेशन और बस फिर तो मैंने ऊपर थोड़ी सी डिजाइन कर ली एंड डन तो अभी ना हमारे टोटल सिक्स पेंटिंग्स हो गए हैं येस मतलब सिक्स कैनवास के ऊपर हमने पेंटिंग कर लिया देन हो गया डिनर का टाइम तो डिनर में था थेपला एंड मिल्क और हरी मिर्च भी तो मैंने कर लिया अपना डिनर एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया लास्ट पेंटिंग uh, अब लास्ट पेंटिंग ना थोड़ा सा ये सब पेंटिंग्स से हटके होने वाला है एंड मुझे ये बहुत ही पसंद आया एंड रफ स्केच बना कर ना मैंने तुरंत पेंटिंग स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ स्टेयर्स एंड विंडो एंड इस तरह से डोर एंड ये पूरा जो ऐसे सीन नहीं होता वैसे इन शॉर्ट घर का पेंटिंग बट ऐसे घर का अंदर से नहीं इस तरह से बाहर से एंड मैंने ये लाइट ब्राउन बैकग्राउंड कलर्स किए ना उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मर्ज किए हैं एंड यूज़ किए हैं कलर्स जैसे कि लाइट ब्राउन एंड येलो को मिक्स किया है ऑरेंज एंड येलो को मिक्स किया है फिर अकेला कहीं कहीं पर येलो भी किया है अकेला कहीं कहीं पर ब्राउन भी किया है और ये ना मैं अभी स्टेयर्स बना रही हूँ आप सोच रहे हो कि मैंने साइड में स्टेयर्स कंटिन्यू क्यों नहीं किए तो मैं अभी बताती हूँ तो यहाँ पे येलो वॉल कर ली और एक डोर कर लिया रेडिश पिंक टाइप के कलर का एंड ये बन रही है विंडो काफ़ी मस्त लग रहा है ना एंड ये बन रहा है मेन डोर और मेन डोर को ऐसे मैंने सोचा कि सिंपल लगेगा तो थोड़ा सा शेडिंग वाला कर लिया कलर से ही एंड साइड में मैंने एक दूसरा घर कर लिया और फिर नीचे ग्रासेस वगैरह कर ली मतलब बुशेस वगैरह प्लांट्स एंड डन तो ये पेंटिंग ना लाइक जो अभी मैंने लास्ट किया वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपको इन सब में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ वॉर्निश का एक कोट सारे पेंटिंग्स में तो मैंने सोचा सारे एक बार हो जाए ना फिर सबको इकट्ठा करके साथ में कर लेता है कोट तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर कैनवास पर पेंटिंग्स करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया और आपको पेंटिंग्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा वो मुझे कमेंट में बताना और वैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज बहुत सारे पेंटिंग्स हो गए तो अभी बस थोड़ी देर में ब्रश करके सो जाऊँगी तो कैसा लगा आपके ब्लॉग मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब कि कल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय